जैन धर्म के महान तीर्थराज समेत शिखर के बारे में ये 10 बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। जैन भूगोल के अनुसार अढ़ाई द्वीप में कुल 170 समेत शिखर हैं। उसमें जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का समेत शिखर वही है जो वर्तमान में भारतवर्ष के झारखंड राज्य में स्थित है तथा पार्श्वनाथ हिल के नाम से विख्यात है। आपको पता है समेत शिखर में वर्तमान में स्थित जल मंदिर को प्राचीन काल में अमृत वापिका कहा जाता था। आचार्य कुंद जो पहली शताब्दी के हैं, वे अपनी निर्वाण भक्ति में आचार्य यति वृषभ जो दूसरी तीसरी शताब्दी के हैं, उन्होंने अपने तिलोय पंडित के चौथे महाअधिकार में, आचार्य गुणभद्र ने उत्तर पुराण में, आचार्य रवि शेण ने पद्म पुराण में, आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण में तथा अन्य अनेक आचार्यों ने अनेक ग्रंथों में समेत शिखर जी को 20 तीर्थंकरों सहित करोड़ों मुनियों की निर्वाण स्थली कहा है। 13वीं शती के विद्वान यति मदन कीर्ति शासन चतुर्त्रिंशिका में कहते हैं कि समेत शिखर पर सौधर्म इंद्र ने 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की थी। जिनके हृदय में श्रद्धा है वे ही इन प्रतिमाओं के दर्शन कर पाते हैं। भट्टारक जिनसेन जो विक्रम संवत 1577 के हैं, उन्होंने समेत शिखर की यात्रा का उल्लेख किया है। अपभ्रंश भाषा के कवि महाचंद्र ने विक्रम संवत 1587 में सारंग साहू का परिचय देते हुए समेत शिखर की यात्रा का वर्णन किया है। भट्टारक ज्ञान कीर्ति ने विक्रम संवत 1659 में यशोधर चरित नामक ग्रंथ की प्रशस्ति में उल्लेख किया है कि राजा मान सिंह ने, उनके मंत्री नानू ने समेत शिखर पर 20 मंदिरों का निर्माण करवाया था। भट्टारक रत्नचंद्र ने विक्रम संवत 1683 में अपनी रचना शुभम चक्री चरित्र की प्रशस्ति में समेत शिखर की यात्रा का उल्लेख किया है। कवि देवदत्त दीक्षित जो कि 19वीं शताब्दी के हैं, उन्होंने समेत शिखर महात्म्य की रचना 21 अध्यायों में सरल और सुबोध संस्कृत में की है। जैन धर्म के लोग इस पवित्र तीर्थ की पवित्रता को अक्षुण रखने का पूर्ण प्रयत्न पहले भी करते रहे हैं। सन 1859 से 1862 तक इस पहाड़ पर ब्रिटिश सेनाओं के लिए एक सेनिटोरियम बनाने की सरकार की ओर से जांच हो रही थी, किंतु सैनिकों के रहने से यहां मांस पकाया जाएगा, इस आशंका से उस समय जैन समाज ने जबरदस्त विरोध किया था। तब यह विचार सरकार द्वारा छोड़ दिया गया था। इसके अलावा भी अनेक साहित्य में समेत शिखर का बहुत उल्लेख प्राप्त होता है। एक आचार्य विविध तीर्थकल्प नामक ग्रंथ में भी समेत शिखर की यात्रा का वर्णन करते हैं।